1960 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपने आइटम नंबर से जलवे बिखेरने वाली एक अभिनेत्री। जिन पर फिल्माए गए कुछ गानों ने गजब की शोहरत बटोरी। जो चुलबुली थीं, शोक थीं, लटके झटके दिखाने में माहिर थीं और इनके डांस में गजब का जोश और एनर्जी दिखती थी। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे कोई सुन। थिरकते बदन वाली ये नर्तकी खासकर लोक गीतों पर अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन करती थीं। जिन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव और कैमियो रोल भी किए और अपनी एक्टिंग के स्किल से भी दर्शकों को एंटरटेन किया। क्या निशाना है? मगर सब बेकार। क्यों बेकार क्यों? अगर यही गोलियां डाकुओं का सीना चीरती तो कोई बात होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी कला, खूबसूरती और अदायगी के बावजूद क्यों ये कभी हिंदी फिल्मों की एक लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाई? क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री की कुछ बड़ी अभिनेत्रियां इनसे इस कदर जलने लगी कि इनके खिलाफ गहरी साजिश रच डाली और इन्हें कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराने। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब ये अपना घर बसाने की तैयारियां कर रही थीं, तो अचानक इन्हें कैंसर होने का पता चला और देखते ही देखते इनकी जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल गई। ओ, मर गई, मिट गई, लुट गई दुनिया, प्यार न करना थोड़ा। तो कौन थी ये बदनसीब अदाकारा? क्यों इतना अफसोसनाक रहा इनका फिल्मी सफर और दर्दनाक रही इनकी निजी जिंदगी? और वो कौन सी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश रची? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस फिल्मी कलाकार की जिंदगी की दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं, वो हैं हिंदी फिल्मों में डांसर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री लक्ष्मी छाया। तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी। लक्ष्मी छाया का जन्म 7 जनवरी 1948 को मुंबई में एक मराठी मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। इनकी एक बहन थी सरला, जिनका जिक्र मिलता है। इन्होंने आगे चलकर एक्ट्रेस रीना रॉय की हेयर ड्रेसर के तौर पर काम किया था। साल 1958 में जब लक्ष्मी छाया 9 साल की थीं, तो अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ फिल्म तलाक की शूटिंग देखने पहुंचीं। इस फिल्म के डायरेक्टर महेश कौल को उस फिल्म के लिए कुछ स्कूली बच्चियों की जरूरत थी, तो उन्होंने बाकी दर्जनों बच्चियों के साथ लक्ष्मी छाया को भी क्लासरूम में एक तरफ बिठा दिया और ये गाना शूट हुआ। ये गीत था नई उम्र की कलियों। इसके बाद लक्ष्मी छाया का फिल्मों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा और इन्होंने इसके लिए कुछ कोशिशें भी शुरू कर दी। इसके 4 साल बाद लक्ष्मी छाया को 1962 में शक्ति सामंता की फिल्म नॉटी बॉय में काम करने का मौका मिला। मैंने कहा दीना देवी जी, शादी मुबारक हो। हाँ तो दीदी। हालांकि ये छोटा रोल था, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हें लगातार काम मिलने लगा। इसके अगले साल 1963 में ये एक लो बजट फिल्म रॉयल मेल में नजर आईं, जिसमें ये साइड एक्ट्रेस थीं। समझ में नहीं आता इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आप यहाँ रहे तो वो लोग जबरदस्ती आपको उस पागल के पल्ले बांध देंगे।
अगले 3-4 सालों में ये ब्लफ मास्टर, गुमनाम, तीसरी मंजिल, राम और श्याम, राज, बहारों के सपने और रात और दिन जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। किसी फिल्म में ये हीरोइन की दोस्त बनती तो किसी में डांसर या को डांसर। 1965 में आई मर्डर मिस्ट्री फिल्म गुमनाम में इन्होंने एक गाने में अपने कैबरे डांस से तहलका मचा दिया, जिसके बोल थे, जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। इसी साल फिल्म 5 रतन में इन्होंने अपने एक डुएट डांसिंग सॉन्ग से दर्शकों को खूब लुभाया। साल 1966 में फिल्म लड़का लड़की के एक गाने में लक्ष्मी छाया पर एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्माया गया, आंखों को मेरी तुम अपनी ख्वाबों की इजाजत दे दो। तो वहीं 1967 में फिल्म राम और श्याम में इनका एक लोक नृत्य खूब सुर्खियों में रहा। गाने के बोल थे, धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा, धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे कोई सुन। अब धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में मुख्य नर्तकी का रोल भी मिलने लगा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदी फिल्मों में हेलन, बिंदु, अरुणा ईरानी, पद्मा खन्ना, मधुमति और जयश्री टी जैसी कमाल की डांसर्स का बोलबाला था, जिस वजह से लक्ष्मी छाया को अपने लिए एक अदद कैबरे या आइटम डांस को पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कहीं जो तुम होते हमारे लिए, तो आँखों के नशीले सहारे लिए, ये रात रुक जाते। 1967 में लक्ष्मी छाया की कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इनके कई हिट गानों और डांस की वजह से थोड़ी पहचान मिलने लगी। इनमें से एक फिल्म थी राज, जिसके एक गाने में दुल्हन बनी लक्ष्मी छाया बेहद खूबसूरत लगी और इन्हें नोटिस भी किया गया। पोपट हूँ मैं प्यार का, आशिक हूँ सरकार का, छुट्टी है हर बार। 1967 की ही एक मशहूर फिल्म रही रात और दिन, जिसमें लक्ष्मी छाया के ऊपर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एक गीत सुपरहिट रहा, आवारा ऐ मेरे दिल। तो वहीं इसी साल यानी 1967 में ही हेलन के साथ लक्ष्मी छाया का एक डुएट डांस नंबर देखने को मिला, जिसमें लक्ष्मी ने हेलन जैसी डांसर के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। हमारे कहां मानो राजा जी, हमारे कहां मानो। इस गाने से लक्ष्मी छाया ने एक प्रोफेशनल डांसर की अपनी छवि बना ली, जिससे ये बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की नजरों में आ गयी। अगले साल यानी 1968 में भी इनकी कई फिल्में आईं, जिनमें से एक फिल्म थी हाय मेरा दिल। इस फिल्म में लक्ष्मी ने एक गाने पर परफॉर्म किया, जिसके बोल थे, मुझको हो गया है प्यार। इस गाने में इनके चुलबुले अंदाज के दर्शक कायल हो गए। में ही लक्ष्मी छाया की एक फिल्म आई दुनिया, जिसमें इनके ऊपर एक ऐसा गाना फिल्माया गया जो कम ही कलाकारों के नसीब में होता है। ये गीत इनके नाम पर ही बना था। तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी। इस गाने में लक्ष्मी छाया के साथ मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर थे, जो कि मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मी छाया को रिझाने के लिए ये गीत गा रहे थे। प्यार का तो सपना। 1968 में आई फिल्म मेरे हुजूर में लक्ष्मी छाया ने डांसर मधुमति के साथ एक डुएट डांस किया, जिसमें एक्टर राजकुमार पर फिल्माए गए इस गीत ने गजब शोहरत बटोरी। जनक जनक दोरे मारे पाए ले आ। और इन दोनों डांसर की एनर्जी की भी खूब तारीफ हुई। में एक फिल्म आई आया सावन झूम के, जो बेहद हिट साबित हुई। इसमें लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए एक गीत ने खूब लोकप्रियता हासिल की। मैं एक हसीना, वो एक दीवाना।
वहीं 1970 की फिल्म मेरे हमसफर में लक्ष्मी छाया ने एक लोक नृत्य पर जबरदस्त ठुमके लगाए। मर गई मिट गई लुट गई दुनिया प्यार न करना थोड़ा। लेकिन पिछले 12 साल के अपने फिल्मी करियर में अब तक लक्ष्मी छाया के हिस्से एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई थी जिससे इन्हें वास्तविक शोहरत और नाम हासिल हुआ हो। तो आखिरकार वो फिल्म भी आई साल 1971 में, मेरा गांव मेरा देश। मार दिया जाओ, छोड़ दिया जाओ, बोल तेरे साथ। इनके फिल्मी सफर में इनका सबसे बड़ा काम इसी फिल्म में साबित हुआ। इस फिल्म में लक्ष्मी छाया गांव की नौटंकी वाली मुन्नी बाई के किरदार में थी, जो एक तरह से डाकू बने विनोद खन्ना की जासूस का काम करती है। नहीं ठाकुर, मैं खुद उसे पहचान न सकी, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। अब जो काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ उसमें जरा सी भी चूक हुई तो मुझे मालूम हो जाएगा। इस फिल्म में लक्ष्मी छाया पर कई ऐसे गीत फिल्माए गए जिन्होंने सफलता की इबारत लिख डाली। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियां, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, इन सभी गीतों पर लक्ष्मी छाया का अद्भुत मनमोहक नृत्य जादू कर गया। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानी। ये सभी गीत लोकप्रिय रहे और सोने पर सुहागा बने। इनके नृत्य ने इन गीतों को सदाबहार बना दिया। इन गानों के डांस में कोई अश्लीलता या फुहरता नहीं थी, बल्कि फुल ऑफ एनर्जी के साथ कमाल का डांस, शानदार बॉडी लैंग्वेज और मनमोहक अंदाज था। बताते हैं कि इस फिल्म के आखिर में जब हीरो धर्मेंद्र को बचाने के लिए लक्ष्मी छाया के किरदार की मौत को दिखाया गया तो दर्शकों की पूरी सिंपैथी इनके साथ हो गई और ये उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस आशा पारेख पर भारी पड़ गईं। इससे पहले लक्ष्मी छाया ने आशा पारेख के साथ 6 फिल्मों में काम किया था, लेकिन हमेशा छोटे मोटे किरदारों में ही रही थी, पर इस बार बाजी पलट गई थी। मार दिया जाओ, छोड़ दिया जाओ, बोल तेरे साथ। लेकिन बताते हैं कि इस फिल्म की सफलता ही इनके लिए महंगी पड़ गई। उस दौर में छपी कुछ खबरों के मुताबिक फिर आशा पारेख के साथ साथ मुमताज और शर्मिला टैगोर जैसी कई अभिनेत्रियां इनसे जलने लगीं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कल तक जो लड़की फिल्मों में हमारे आगे पीछे घूमती थी वो आज हमारी बराबरी में कैसे खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो अपनी पहली ही फिल्म से रिजेक्ट हुई आशा पारेख और लंबे समय तक एक्स्ट्रा के रूप में काम करने वाली मुमताज को अपना पास्ट याद करना चाहिए कि अगर उन्हें आगे बढ़ने का हक है तो बाकियों को भी है। ऐसी गम की बातें ना करो रॉकी, मेरा भी वाकई डूबने को दिल चाहता है, मगर इस गांव में कोई अच्छा सा कुआं भी तो नहीं है डूबने के लिए। खैर, इसके बाद लक्ष्मी छाया को जहां कुछ अच्छे गाने तो मिले लेकिन ये एक लीड एक्ट्रेस आगे भी नहीं बन पाई। बताया जाता है कि तब कई अभिनेत्रियों ने इन्हें अपनी फिल्मों से बाहर निकलवा दिया तो कई ने साथ काम करने से ही मना कर दिया और पहले से स्थापित अभिनेत्रियों के दबाव में फिल्म मेकर्स ने इन्हें लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। बताते हैं कि इनके काम से प्रभावित होकर इन्हें कुछ तेलुगू, गुजराती और मराठी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका जरूर मिला। वैसे इन्हें 2 हिंदी फिल्मों में भी नायिका का रोल ऑफर हुआ, पर दोनों ही फिल्में पूरी नहीं हो सकी। अब तक इनके करियर में इन्हें डांसर के अलावा कुछ फिल्मों में साइड एक्ट्रेस, कैमियो और कुछ में छोटी मोटी वैम्प की भूमिका ही मिल पाई थी। हाँ, ये सब सच है। इन डाकुओं के हाथ की कठपुतली बनकर मैंने बहुत बुरे काम किए, नीच से नीच कर्म किए। कहते हैं कि ये फिल्मी दुनिया है, अंदर बहुत कुछ होता है जो कभी सामने नहीं आ पाता। कोई फिल्म क्यों रुकी, कैसे बनी, किसके कहने पर किसके रोल काटे गए, कहानी और किरदारों में क्यों और कैसे बदलाव कर दिए गए, इस तरह की गंदी राजनीति के चलते बॉलीवुड में न जाने कितनी ऐसी प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह गईं। दोस्ती फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने वाले कलाकार कहां गायब हो गए, सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाले गायक येशुदास मुंबई छोड़कर क्यों चले गए,
गायिका सुमन कल्याणपुर और हेमलता क्यों विलुप्त हो गईं? इंडस्ट्री को हिला देने वाले गुलशन कुमार की क्यों हत्या कर दी गई? दिव्या भारती और हाल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? सवालों की फहरिस्त लंबी है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस लौटे तो लक्ष्मी छाया ने फिर बुझे हुए मन से और भी कई फिल्मों में आइटम डांस करना ही जारी रखा और खासकर 1961 से 1982 तक फिल्मों में सक्रिय रहीं। शायद इन्हें उम्मीद थी कि कभी न कभी इनके टैलेंट को मुकाम जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 1972 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म रास्ते का पत्थर फिल्म का इनका एक गाना खूब लोकप्रिय हुआ, मैं शराब बेचती हूँ। इसी तरह बाद के सालों में 1975 से 1987 के बीच आई कई फिल्मों में इनके बेहतरीन डांसिंग सॉन्ग्स देखने को मिले, जिनमें प्रमुख फिल्में रहीं दो चोर, बिंदिया और बंदूक, दो फूल, धोती लोटा और चौपाटी, शराफत छोड़ दी मैंने, बिजली और परख। एक मुट्ठी में दिल, आहा, एक मुट्ठी में प्यार, एक आँख में इशारे। एक एक्टर को भले ही लंबे समय तक काम मिलता रहे, लेकिन एक डांसर, खासकर आइटम डांसर की उम्र कम होती है। 80 का दशक आते आते लक्ष्मी छाया की भी उम्र ढलने लगी और इन्हें काम मिलना कम होता गया। लीड एक्ट्रेस बनने की उम्मीद लिए इस उम्दा कलाकार ने भरे मन से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया और बाद में गरीब बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने का काम शुरू किया, लेकिन ये शिक्षा ये मुफ्त में दे रही थी, जिससे अब इनके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा था। इस तरह धीरे धीरे ये मुफलिसी में जाने लगी, साथ ही अब इन्हें एक साथी की भी जरूरत महसूस होने लगी थी। फिल्मों में काम करते हुए एक तो ये अपने काम में काफी मशरूफ रहीं, तो वहीं इन्हें कभी कोई ऐसा मिला भी नहीं जिससे इन्हें प्यार जैसा कुछ महसूस हुआ हो। इस तरह ये अब तक अकेली ही थीं। उम्र भी लगभग 45-50 के पार होती जा रही थी। लक्ष्मी ने सोचा कि अब घर बसा लेती हूँ, जिससे एक हमसफर सुख दुख का साथी मिल जाएगा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा पता चला कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लंबे समय तक तबीयत खराब रहने के बाद जब इन्होंने कई सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि इन्हें तो कैंसर हो गया है। जिंदगी में चल रही सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था, लेकिन मुश्किल ये कि अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी की छाया ही बची थी, लक्ष्मी नहीं। फिर इलाज कैसे हो? किसी तरह से मुफलिसी और दर्द में कुछ दिनों तक इनका इलाज चलता रहा, लेकिन बस संतोष के लिए। इतने पैसे नहीं थे कि कैंसर में कीमो या दूसरी थेरेपी से अच्छी तरह से इनका इलाज या देखभाल हो सके। ऐसा कोई अपना भी नहीं था जो इस मुश्किल वक्त में साथ दे, और बेरहम बॉलीवुड ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसलती चली गई और आखिरकार 9 मई 2004 यानी 9 मई 2004 को 56 साल की उम्र में मुंबई में ही कैंसर की वजह से लक्ष्मी छाया जी का निधन हो गया। आज भले ही लक्ष्मी छाया जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों और उनमें निभाए किरदारों के जरिए ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इनके जबरदस्त डांस और अदायगी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानी। इस महान डांसर और चुलबुली अदाकारा को हमारी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको लक्ष्मी छाया जी का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इनकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और सुने अनसुने किस्से कहानियों के लिए हमारे और तीन चैनल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, बॉलीवुड बाई वेदिका, बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन। आपको हमारा काम पसंद हो तो आप हमें थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।